उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक 28 दिसंबर को घेरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्यालय। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था एवं उनमें कार्यरत वित्तविहीन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संयुक्त मोर्चा शनिवार को एक बैठक किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे लोग 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय घेरेंगे। इनकी प्रमुख मांग है कि सेवा नियमावली बनाई जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए तथा कई मांगों को लेकर ये लोग प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करेंगे। वाराणसी से पीटीसी रिपोर्टर नवीन प्रधान की ये रिपोर्ट। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 28 तारीख को। हम लोगों का रविंद्रपुरी प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय पर धरना रखा गया है, उसी के निमित्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के सारे पदाधिकारी इसमें आए हुए थे। हम लोग उत्तर प्रदेश के 86% माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिनका न तो सरकार के यहाँ कोई लेखा जोखा है, न तो सरकार हमको पूर्ण शिक्षक मानती है। हम अनवरत 36 साल से हमारे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। बार बार आश्वासन मिलता है। अभी 20 नवंबर को हम लोगों ने विधानसभा लखनऊ पे धरना दिया था। वहाँ माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता किया कि 10 दिन के अंदर हम सेवा नियमावली जारी कर देंगे और एक धारा की हम लोगों की समस्या है, धारा 7 क को हटा के 7-4 करनी है। इन दोनों के लिए वो राजी हो गए थे कि 10 दिन में हम ये कर देंगे, लेकिन आज एक महीना बीत गया और उन्होंने अपने आश्वासन को दरकिनार कर दिया। अब हम लोगों का एक ही आस है कि हम प्रधानमंत्री जी को अपनी बात उनके प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक अवगत करा सकें। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और अब एक ही आस है कि हम लोग वहाँ घेराव करके और उनके कान तक अपनी बात पहुँचाएँ। क्या मांगे, मुख्य मांगे हैं आप? मुख्य 3 मांगे हम लोगों की हैं। एक तो हमारा जो शिक्षक है, कल अगर प्रबंधक कह दे कि कल से विद्यालय नहीं आना है तो उसकी 15 साल की 20 साल की सेवा का कोई मतलब नहीं रहता है, वो कल से घर बैठ जाएगा। तो हमारे शिक्षक की सेवा नियमावली, और दूसरा धारा परिवर्तन, जो हम लोगों के साथ एक मजाक हुआ 1986 में, हमारी धारा परिवर्तित करके मान्यता की धारा 7 कर दी गई, उस धारा को परिवर्तन की मांग है 7-4 में करने की। और तीसरा, जब तक हमको समान कार्य का समान वेतन नहीं मिल जाता है तब तक हमको सरकार मानदेय दे। ये 3 प्रमुख मांगे हैं हमारी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो प्रधानमंत्री का कार्यालय का घेराव के बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा लखनऊ में अनवरत धरना का कार्यक्रम बन रहा है। हमारे संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि हम लोग लगातार, जब तक ये हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक अनवरत हम लोग धरना लखनऊ में। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे हम लोग? वो तो होगा ही। क्या आप लोग 2019 में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे? हमारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं होना। हम 3.5 लाख शिक्षक पूरे प्रदेश में हैं और हम अपने घरों पे और अपने जो भी सहयोगी हैं उनके घरों पर हमारे लिखा रहेगा एक विज्ञप्ति के माध्यम से कि कृपया भाजपा के प्रत्याशी हमसे संपर्क न करें। मानदेय और वेतन का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि इस महंगाई के युग में 20-30 रुपया पर डे के हिसाब से या 100 रुपया पर डे के हिसाब से कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। आप हमारे मीडिया के भाई हमारे ही करीब करीब समकक्ष हैं। जैसे हम घर से खाना खाते हैं, घर से कपड़ा पहनते हैं और फिर घर पे जाकर के अपने जिस तरह से रहते हैं वही स्थिति आपकी भी करीब करीब। हम थोड़ा सा आपसे सुपर इसलिए हैं, थोड़ा सा कि प्रबंधक हमको 1000-2000 दे देता है। आपको आईएएस हो, सीनियर आईएएस हो, प्रमुख सचिव शिक्षा हो, डायरेक्टर हो माध्यमिक शिक्षा के, सभापति हो माध्यमिक शिक्षा के, इस गलतियों पर का तुम सुधार करो। कष्ट की बात यह है कि अनजाने जो गलतियां हो रही थी 86 से तब तक तो हो रही थी, जब से इसको
हम लोगों ने संज्ञान में लाया, इस संगठन ने संज्ञान में लाया, तब से आज 15 साल हो गए, लेकिन एक्ट में संशोधन नहीं हुआ। सबसे दुखद बात, यह हमारी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, यह सरकार का फॉल्ट है और सरकार को अपनी फॉल्ट को, अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए एक्ट में संशोधन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है।